तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय बोले जय शंकर। तो अभी रंगों से हम तकरीबन 6 किलोमीटर आ चुके हैं और वहाँ पर जो ब्रिज है ना, वहाँ पर आपका परमिट चेक होगा अगर आप उमलिंगला जाते हो। मतलब अगर इस ब्रिज पे आते हो ना जो कि लोमा में है, तो वहाँ पे आपका परमिट चेक होगा। और अभी यहाँ पे देखो, हम हलने से नोमा से, मतलब हलने से तो आ चुके हैं बेचारे नोमा की तरफ। और ये वाला है दुंगती। दुंगती मतलब पेंगोंग की तरफ जाना ना, पेंगोंग है ना इस साइड में, इस साइड में दुंगती की तरफ, मतलब पेंगोंग का रास्ता। और ये देखो यहाँ पे लिखा है डैम चौक उमलिंग जिंग नाकमली कोयूल। भाई भाई क्या नाम है यार, रंगो और हलने। रंगों से अभी हम आए हैं, देखो 6 किलोमीटर बोर्ड पर भी लिखा है। और अभी हम जा रहे हैं नोमा। और कल भाई मैं तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी, सुबह 5:30 बजे से लेकर मतलब हर ही। और कल रंगों में ना एक वो है हॉस्पिटल छोटा सा, तो वहाँ पर मैं मैडम के पास गया, वहाँ पे एक मैडम थी, तो मैंने बताया कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, तो मैम ने एक पेन किलर दिए लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मैम ने बोला कि अगर असर नहीं हो रहा है तो वो मुझे लेकर नोमा, यानी कि यहाँ से 25 किलोमीटर लेकर अपनी गाड़ी में गई। तो मेरे साथ में एसपीटी था, वो भाई वीडियो देख लेना कि वहाँ पर ना मेरे को ऑक्सीजन लगाया, उसके बाद यहाँ कंधे में, दोनों कंधे में 2 इंजेक्शन और ORS का घोल वगैरह। मतलब जो आयुष्मान भारत है ना, मतलब जो जितने भी लद्दाख में हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के, पर इसमें फ्री में आपका मेडिकल चेकअप जो भी है फ्री में होगा, दवाई सवाई सारा। अभी दिखाता हूँ एक बार इसमें क्या क्या चीज़ है। और आज सुबह भी हो गया था भाई दर्द, तो जो सर थे ना नोमा में, वो कह रहे कि भाई ले जाओ, ले में अपना एक्सरे या जो भी है सोनियोग्राफी कराओ, उसके बाद पता चलेगा कि स्टोन है या किसी और चीज़ का दर्द है। तो एक बार वहाँ जाके ले में जाएंगे भाई। तो हम जा रहे हैं, जहाँ तक गाड़ी नहीं मिलती हमें तब तक तो साइकिल चलाएंगे भाई नोमा 25 किलोमीटर यहाँ से, उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेंगे, क्योंकि दर्द बहुत तेज़ होता है। सुबह भी हो गया था, तो वो तो पेन किलर थी मेरे पास, वो ले लिया, लेकिन वहाँ पे जाके एक बार एक्सरे करा के तसल्ली हो जाएगी क्या। और ले में अपना पूरा इलाज करा के, ऑपरेशन छोड़ के, क्योंकि ऑपरेशन तो मैं भाई अपने घर वालों के मच्छी से ही कराऊंगा। तो भाई कल ना ये बना था, देखो ये रहा मेरा नाम और ये सारा जो भी लिखा हुआ ना इसमें, ये सारी मेरे को मेडिसिन मिली हुई है। और उसके बाद में BP चेक हुआ मेरा, और क्या था PR क्या पता नहीं है, USG। और उसके बाद में मेरा ऑक्सीजन लगाया भाई मेरे को, वैसे लगाते नहीं पर सर बोले कि भाई कोई दिक्कत नहीं आप लगा लो अच्छा रहेगा। और ये था भाई मेरा पूरा। तो ले में जाएंगे तो सारा ये दिखाएंगे। और देखो ये लिखा है लद्दाख में इतने दिन हो गए हमें, और ये जो मेरे को दर्द शुरू हो गया था ना, अब मतलब 4 दिन हो गए भाई लगातार दर्द होते हुए। तो 2 दिन पहले एक कल हुआ और एक आज हुआ। उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह ले रखी है ना मैंने, वो मैं अभी खाऊंगा, क्योंकि अभी खाना खा के आया था ना। मैं यहाँ से 2 किलोमीटर बचा हुआ और आज बादल बादल रखे भाई। अगर ये बादल अपने वहाँ हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि भाई बारिश आने वाली है, लेकिन लद्दाख में इसके उल्टा है। तभी होता कहीं ना कहीं पक्का स्नोफॉल हो रही होगी भाई, क्योंकि ये बादल ना खतरनाक होते हैं लद्दाख में जिस दिन भी होते हैं ना। और नोमा कल भी आए थे भाई, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल है ना, तो इंजेक्शन वगैरह नोमा में ही लगे थे। तो आज फिर नोमा तक ही जा रहे साइकिल लेके, क्योंकि अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिला यार। राइडर जय हिंद भाई साहब, जय हिंद, जय बोले। ये है भाई नोमा सिटी, और जो सामने देख रहे हो ना ये पीले वाला, ये हॉस्पिटल है आयुष्मान भारत। कल यहीं पे आए थे हम। और ये जो मेन रोड है ना, इसी पे सब दुकानें वगैरह है, बैंक वगैरह है। कल यहाँ से मुड़े थे हम हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि अभी ले के लिए देख रहे हैं भाई कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए, क्योंकि पहले चेकअप ज़रूरी है भाई। जब तक चेकअप नहीं होगा तब तक पता नहीं लगेगा, और रिस्क नहीं ले सकता कि क्या पता कब दर्द उठ जाए। सोचा तो यही था कि नोमा से लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन नोमा से हम बहुत आगे आ गए थे, घूम आए 56 किलोमीटर, और नोमा से माए था 24 किलोमीटर, 18 किलोमीटर आ चुके हैं भाई। और अभी भी बचा हुआ वहाँ पर कोई गांव वगैरह है। ओ भाई साहब, मतलब ये जो रास्ता ना हमारा बिल्कुल सेम है यार, इससे हम आए थे, क्योंकि माया ब्रिज से हमने राइट टर्न लिया था ना, अभी माया ब्रिज यहाँ से 6 किलोमीटर बचा है, मतलब ये हमारा सेम रास्ता। तो इसमें क्या वीडियो बनाए, क्या आप लोगों को दिखाएं। और ये जो गांव है ये है माहे, अभी आएगा माहे ब्रिज, और यहाँ से 62 किलोमीटर ये वाला रोड, और ले है 175, मतलब ये घूम के उधर से। अभी तो माहे ब्रिज भी आना बाकी है यार, शुक्र है कि यहाँ पे लाइट वगैरह, मतलब ट्रांसफार्म तो दे रखे है भाई। तो भाई हम ना माहे ब्रिज को पीछे छोड़कर आगे एक चुमथांग जगह है,
जो कि मायाब्रिज से 20 किलोमीटर है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी बचा है। और बचा क्या है, ऑफ रोड आ गया। देख ये भाई जितने भी खड़े हो ना सब, ये देखो इनकी गाड़ी करके इसको एकदम मक्खन रोड बना रहे हैं। यही बियारो के अंडर में जी 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 दारू इंटरप्राइज से। कौन से इंटरप्राइज? दारू इंटरप्राइज। दारू, चलो बढ़िया भाई जी। मतलब कितने दिन में निपट जाएगा ये? एक महीना लगेगा सर। यहीं रहोगे? जी जी जी। बढ़िया भाई जी। तो जी भाई यार, अगर हमें रुकना होता ना तो हम इन्हीं के पास रुक जाते, जो इनके टेंट वगैरह रहते हैं ना बियारो के अंडर में, वहाँ रुक जाते हैं, बातें बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं आराम से रुक के, फिर अपना अगला दिन का जो सफर है ना उसको पूरा करते हैं। तो रोड बनाते हैं, रोड बनाते हैं। मतलब कितना टाइम हो गया यहाँ? 8 महीना हुआ। उससे पहले? पहले 2011 से। 2011 से जी जी बियारो में जी। देखते हो 2011 से बियारो के अंडर में। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा काम करते हो। थक गया मुझे, आप रह गए। कितने गिनती गिनी? नहीं गिनी भाई साहब। तो भाई अभी हमें लेके गुरुद्वारे में, और ये देखो ये है मेरी अल्ट्रासाउंड की जो पर्ची कटती है ना, तो आज का डेट मिला है, अभी जाएंगे हॉस्पिटल में और उसके बाद में अपना जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है पता चलेगा कि भाई जो एक्चुअल में स्टोन है या किसी और चीज़ का दर्द है। और कल सुबह पहुँचे थे भाई, क्योंकि उससे एक दिन पहले तकरीबन जो हल्ले ब्रिज है वहाँ से हम 5-6 किलोमीटर और आगे निकल गए थे चूमा थांग के जो कोई जगह है उसकी तरफ, और फिर वहाँ से हमें लिफ्ट मिला था तकरीबन 150 किलोमीटर का, और ले से 7 किलोमीटर पहले हमें उतार दिया था। तो वहीं पर हमने कैंपिंग वगैरह मैगी वगैरह बनाई थी और सुबह फिर हम डायरेक्ट होटल चले गए थे। और जब वहाँ पे उन्होंने पर्ची वगैरह काट के दी, आज की डेट दी, तो हम गुरुद्वारे में स्टे किया और फिलहाल इसको लेके जा रहे हैं। वो पता चलेगा कि भाई दर्द क्या है। बाकी जो 150 किलोमीटर की लिफ्ट ली भाई वो मजबूरी में लिया, क्योंकि 4 दिन हो गए थे लगातार मेरे को पेन होते हुए पेट में, जो होते ना पस या कहते हैं कि राइट साइड में जो स्टोन का दर्द होता है, जो चिसुमले में आर्मी वाले थे उन्होंने भी ऐसे ही बोला, और जो न्योमा में हॉस्पिटल था उन्होंने भी ऐसे बोला कि भाई स्टोन है, एक बार अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ, उसके बाद में साइकिल राइड मत कराओ। जब उन्होंने बोला कि साइकिल राइड मत करना, फिर भी मैंने भाई तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर की साइकिल चला के लेके आऊँ रंगों से माहेब्रिज और उसके बाद चुमथांग की ओर, क्योंकि लिफ्ट नहीं मिली थी भाई। उम्मीद तो यही थी कि यार रंगों से निकलेंगे उसके बाद में लिफ्ट वगैरह मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली थी। तो 55 से 60 किलोमीटर साइकिल चला के आए थे, उसके बाद लिफ्ट मिलती तकरीबन शाम के 3-4 बजे, और लेट रात पहुँचे थे 8 बजे ले से 7 किलोमीटर पहले। तो ये थी भाई सारी जानकारी। अभी एक बार जाके हॉस्पिटल में, यहाँ पे ले में सोनम के नाम से कोई हॉस्पिटल है, कहते हैं कि गवर्नमेंट ही है, तो एक बार करा लेते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, जिससे दिल की तसल्ली हो जाएगी भाई एक्चुअल में है क्या प्रॉब्लम। और ये रही उसकी हॉस्पिटल की पर्ची, देखो ये रहा सोनम नुरबो मेमोरियल हॉस्पिटल, 10 रुपये की पर्ची कटी थी, बाकी आज लगेगा भाई जो अल्ट्रासाउंड का पैसा लगता है ना, पता नहीं कितना लगेगा, 200, 500, 800, 1000, कोई आइडिया नहीं है। और मेरे को मिला 37 नंबर, ये पूरा पता नहीं क्या लिखा है, ये वाला मेरे को समझ नहीं आया, ये नीचे क्या लिख दिया, ये तो मेरा नाम समझ गया संदीप है, हरियाणा से है, मेरे पिताजी का नाम लिख दिया, और ये समझ नहीं आया ये क्या लिख दिया है। बाकी चलो हमें क्या समझना, हमें बस अपने बीमारी से मतलब है कि क्या बीमारी निकल के आएगी यार। और ये है देखो गुरुद्वारा भाई, मस्त हॉल में रुके हुए हैं, कल आके अपना चाय वगैरह बना के पिया, उसके बाद में मैंने कपड़े भी धो दिए, जैकेट वगैरह धो दी, बहुत मैली हो गई थी ये, और जूते भी धो दिए। बाकी ये जब पॉलिश हो जाएगी ना तब ही इसको निखरेगा, ये चमकेगा, अभी तो बस बुरुज साबुन लगा के इसको धो दी। ये है भाई ले की गलिया, जिसमें दुकानें हैं, बाकी जब छाव होती है ना तभी ठंडा लगती है, बाकी धूप में भयंकर गर्मी है, और शाम के टाइम में टेम्परेचर 6-7 डिग्री चला जाता है। कुछ दुकानें खुल रही है, कुछ बंद है। बाकी यहाँ के जो डिज़ाइन है ना घरों के बाहर जो रहता है अलग ही है, और जूते नए भी मिलेंगे सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड का रेट ओ मेरे भाई 1500, 2000, 2500। देखो भाई वहाँ धूप आ गई ना तो अब लगेगी गर्मी, क्योंकि अभी छाव में आए हैं, क्या दिखा दिया तरीकी तरह के भाई। अभी मालोड पे एंट्री होएगा हमारा, पीछे रह गया, चलो अभी ये मेन सड़क आ गई ना तो मालोड पीछे रह गया। अरे सही है,
यहाँ की दो तीन तीन चार चीजें फेमस है भाई, मालोड ले पैलेस और एक वो जो मोनेस्ट्री है ना गोपा गोम्पा, ये मालोड वाला रोड, उधर मोंटे कार्लो वाला ये मेन रोड है। ओ भाई और पीछे पहाड़ों में खारदुंगला पे भाई स्नोफॉल बता रहे हैं सब जो भी आ रहे हैं कि भाई स्नोफॉल तगड़ी है, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ है ना ले जो जैसे सेंटर में है तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आ रखी है भाई। अभी 10:30 बजे का टाइम है, यहाँ पे मार्केट लग जाएगी जब हम आएंगे। हैं हम गलत साइड चल रहे ना तो गाड़ी तो आएगी। दिखा दिया तो जो दिखाना, शाबाश भाई, नॉन वेज के शौकीन नहीं साइड में बहुत ज़्यादा, जो होते ना सुअर वो काट रहे खचा खचा खचा। और लद्दाखी लोगों के लिए भाई जैसे अपने लिए मंदिर होते हैं ना गुरुद्वारे होते हैं तो उनके लिए ये है, ये जब प्रार्थना सुबह काम पे जाते हैं स्कूल से आते आते जाते वो किसी भी टाइम ये जो तो गोल गोल है ना इनको घुमाते हैं भाई, जैसे ये है ना बस हमें ये नहीं पता कि इसको बोलते क्या, लेकिन ये उनका मंदिर होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हम ले में हैं तो आपको ले विजिट कराएंगे, जैसे माल रोड हो गया या ले पैलेस हो गया या फिर जो गोम्पा है वो हो गया, और हम आपको घुमा रहे हैं भाई हॉस्पिटल में मतलब। लेकिन भाई टेंशन तो मेरे को भी हो रखी है कि यार मैं आपको वो चीज़ें नहीं घुमा रहा हॉस्पिटल घुमा रहा हूँ, कि पहले अपना शरीर ज़रूरी है यार, अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ घुमा देंगे, अगर शरीर में है कि भाई प्रॉब्लम हो रखी है तो मुश्किल ही मैं कहीं घूम पाऊँगा। तो पहले एक बार ये जो टेंशन है दिमाग की कि भाई अल्ट्रासाउंड में क्या आएगा उसको दूर कर लेते हैं कि भाई। और ये जो द्वार देख रहे हो ना ये यहाँ का मेन चौक है, अगर आपको खारदुंगला जाना है देखो सामने वो रहा उधर में जाएगा ये जो द्वार है इसके पीछे से, जहाँ पे लिखा भी है खारदुंगला 39 किलोमीटर, खारदुंग बेहतर खालसा खलसार 95 डिस्किट 118 किलोमीटर, देखो रहा उधर में, और उधर जाके आप खारदुंगला की जो चढ़ाई है या उतराई है इसी साइड से जाके देखोगे। बाकी ये दरवाज़ा बड़ा ख़तरनाक बना रखा है एकदम सोने जैसा, और इधर में मार्केट है देखो, ये फिर प्रे कर रहे हैं ना भाई साहब, ये इनका प्रे है, ये अपना लेके चलते हैं खतरनाक बंदे। इधर में कंबल का मार्केट है, वाह अभी इस मार्केट से निकल के जाएंगे उधर, देखो वो रे पहाड़ जिन पे बर्फ गिर हुई ना इधर में है, और कहाँ गए भाई साहब, मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे अगर जब हॉस्पिटल में जाएंगे तब दिखेंगे। देख भाई सुबह सुबह राइडर आ रहे हैं ना, टी एन नंबर है, टी एन कहाँ है, तमिलनाडु, वाह HR। बाकी एक चीज़ हो रहा भाई यहाँ पे आपको ना बहुत सारी HR CHPV की गाड़ियाँ मिलेगी, जैसे सेंट्रो ऑल्टो वो जो अपने वहाँ बंद हो जाती है ना वो इधर में आके चालू होती है, कि भाई जहाँ पे जिसकी एक्सपायरी होती है ना कि भाई 10 साल चलेगी वो गाड़ी पेट्रोल वाली या 15 साल जो भी है उसके बाद की गाड़ी या तो यहाँ चलेगी या फिर नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारी देखने को मिलेगी जैसे ये HR इसमें जो लद्दाखी बंदे हैं हाँ उनको चलती है गाड़ियों कैरी कर रहा है, दिल्ली में बस 10 साल की इनकी औकात है गाड़ियों की, 10 साल के बाद गवर्नमेंट ने लगा दो इस पे और वो सस्ती बेच देते हैं भाई, क्यों उनको पता कि अब किसी काम की नहीं, तो अपना लो भाई काम चलाओ। ये गाड़ी जिम्मी है क्या यार, जिम्नी अपनी है अपने पास तो साइकिल, एक वीडियो 2-3 करोड़ पहुँचा दो जिम्नी अपने घर पे, गड्डी नहीं लेनी भाई पहले सपने पूरे करेंगे माँ बाप के, माँ बाप की ठीक है गड्डी भी से होनी चाहिए यार, माँ बाप भी घूमे गाड़ी में झूले वेलकम टू ले ये ले 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 जैंड के भाई, यहाँ पे बस स्टैंड भी है नया भी है पुराना भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी गाड़ी अभी जाती कहाँ है, क्योंकि खार है नहीं पता ना 11 नंबर गाड़ी का पता है मुझे, वो जो कल थी 11 नंबर गाड़ी अच्छा ये ऋषि अच्छी गाड़ी यार, कुछ पहाड़ है कि जैसे मिट्टी वाले उतने एकदम मिट्टी का ढेर लग गया होगा ऐसे दिखता है उसमें लुक, पहाड़ अब तो मिट्टी बन गया है पत्थर भी, कितना धूप कितना गर्मी सहेगा भाई वो, बाकी जाना आसान है हॉस्पिटल में गुरुद्वारे से हाँ आना मुश्किल है क्योंकि हम नीचे जा रहे ना फिर ऊपर आना पड़ेगा भाई, आना कल जैसे हम 7 किलोमीटर रह गया था ले, इतने स्कूल उसी रोड पे इतने स्कूल समझ में नहीं आएगा यार,
सिटी में इतने स्कूल कैसे हो गए, कोई हायर है, कोई सीनियर सेकेंडरी है, कोई छोटे बच्चों का है, सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान है। ये देखो यहाँ के घर देखो एक बार, थोड़ा रुको, वो पहाड़ है, पहाड़ में मतलब पता नहीं कैसी दीवार खड़ी करके वो घर बना दिया। ये देखिए ये तो पूरा एक कोना देख, ये कैसे पहाड़ से चुना हुआ ये। वाह, पहुँच गए भाई हॉस्पिटल। ये है यहाँ का फेमस सोनम नुरबो मेमोरियल हॉस्पिटल। ओ भाई साहब, अगर कल की कल में हो जाता ना तो सही भी था, लेकिन उन्होंने एक, वैसे तो डेट मिलती है हमें 4-5 दिन की, तुमने रिक्वेस्ट किया कि मैम साइकिल से है थोड़ा जल्दी जाना है, तो इसलिए उन्होंने आज का डेट दिया भाई। इधर में कैंटीन, एटीएम, और पहले उधर से पर्ची कटवाओ, फिर वहाँ पे आपका जो अल्ट्रासाउंड है उसका अलग डिपार्टमेंट है, तो उसे डायरेक्ट वहीं चलेंगे, पहले वहीं चल डायरेक्ट। क्यों, फीस जमाने का नहीं? ओहो, मेन रोला तो यही है फीस का, बाकी पहले फीस कटवाती उसके बाद अलग डिपार्टमेंट में जाते। कल जब डायरेक्ट यहाँ आए थे ना भाई, जो लाइन थी ना बहुत लंबी थी, उसके बाद हम दोपहर बाद आए, तो उस टाइम लाइन कम हो गया था, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया। और अभी जो कैश देना ना इसका अल्ट्रासाउंड का, इसलिए लाइन भी लगना पड़ेगा, तो शुगर की भी छोटी नहीं तो बढ़ जाएगी अभी। अभी 500 रुपये। यार भाई महाराज जी, हाँ भाई क्या रहा? दाते ही नंबर आ गया, वो जो लाइन थी ना वो थी पर्ची वालों की। अच्छा, और जो बिल वाले जो कैश वाले वो उसका तो मतलब मैं इकलौता ही था, और अल्ट्रासाउंड के जो पैसे लिए भाई वो है 160 रुपया, मतलब ठीक ठाक था, बाकी मैं सस्ता ही है यार, 400 होंगे 800 होंगे, क्योंकि मैंने घर वालों से पूछा था कि कितने पैसे होंगे, वो कहते हैं गवर्नमेंट होगा ना तो 400 रुपये लग जाएंगे या 200 रुपये की फीस लगेगी, लेकिन कम लगा 160 रुपया। चलो यार ठीक, बात बन गई यार, तो बढ़िया है, जल्दी फ्री कर दिया तूने आज। मैं सोच रहा है मेरे को धूप सेकेगा, ठंड एकदम गर्म कराएगा, तुम पर जल्दी आ गया, गर्मी तो बहुत है बाकी, और वहाँ जाते नंबर आ जाए तो और मजा आ जाएगा, कि भाई वहाँ बस लोगों की भीड़ ना हो, चल अपने नंबर पहला हो। चलते 10:52 हो चुका भाई, और अभी इतने लोग हैं, और मेरे को नंबर मिला 18। अब इनके बाद में देखते भाई किसका नंबर है, मेरा कब आया, कितने घंटे, क्योंकि टाइम तो बहुत लगेगा भाई ये अल्ट्रासाउंड होने में। जो अल्ट्रासाउंड कराना था ना वो हो गया, और यहाँ पर लोग ना लिखा पढ़ी पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड होता है ना वो एक काला सा होता है कि भाई आपके जो लीवर में किडनी है वो कितने एमएम की है, कहाँ पे है, तो वो दिखाता वो एक्सरे टाइप में। तो यहाँ पर डॉक्टर ने लीवर में जो किडनी है, देखो ये लिख के दिया, बोला कि ये बस मैंने लिख दिया, ये आप कंसल्टेंट को दिखाओ और वो बताएगा कि क्या है। वो तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें उन्होंने, उस डॉक्टर ने जिसने अल्ट्रासाउंड किया उसने मेंशन नहीं किया कि कितने एमएम की जो पथरी है बची हुई है, और लीवर में सूजन बताया है, जहाँ पे जो पेशाब वाली नली होती है ना उसमें भी थोड़ी सूजन बताई है। तो और अब एक चीज़ और बता दिया कि भाई अपना एक जाँच और करवाओ, सीटी स्कैन, NCCT KUB, ये कोई नाम पे टीका लगा रखा कि ये कराओ, उसके बाद में वापस दिखाओ, या फिर ऑप्शन दिया है कि या फिर जो उन्होंने 4 बार दवाई लिखी हुई है, सिरप है, मेडिसिन है, वो वगैरह लो तो थोड़ा बहुत असर होगा। तो ये चीज़ जो हो रही थी ना, इनको देखकर ना मेरे को वो याद आ गई भाई, जो गब्बर मूवी है होता ना कि जो मरे हुए पोस्टमार्टम, कि पहले ये कराओ ये नहीं तो वो कराओ वो कराओ, और भाई एक बार फाइनल करके उसमें बता दे कि भाई पथरी है कितने एमएम की बची हुई है, तो अपन दवाई लेंगे कि भाई इतने एमएम की, अगर कम होगी तो दवाई ले लेंगे, ज़्यादा होगी तो ऑपरेशन वगैरह होगा। तो मतलब इन्होंने ना 50-50 कर दिया कि भाई पथरी भी है और पता नहीं कितने की है। और जिस हॉस्पिटल में इलाज कराया भाई उसमें सिर्फ ये दवाई मिली, जो कि 3, 2, 5, 10 गोलियां ना, ये 12 रुपये की मिली। और उसके बाद में एक चीज़ देखो, हॉस्पिटल के अंदर ये गोली थी, बाकी 4 चाहिए थी ना, 3 बाहर से लेनी पड़ी। और ये है देखो, और यहाँ पे दवाइयाँ भी MRP के रेट पे मिलती है, 180, उसके बाद में ये है 104। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन जो सबका बाप था ना वो था ये थी 10 गोलियाँ, जो कि पड़ी है 705 रुपये की 10 गोलियाँ। अब 70+ पैसे की मुझे ये दवाई मिली, और ये 4 ये थी, उसके बाद आर्मी वालों ने जो दवाई दे रखी वो अलग है। तो देखते हैं भाई अब इससे कुछ
असर होता है कि नहीं होता है, बाकी जाके घर पे कराएंगे पूरा। और अभी जो गुरुद्वारे के जो हॉल है ना, अपना सारा सामान इधर में, सारा चाय फाय का, मैगी वैगी का सारा सामान इधर है, और इधर में अपन लोग सोते हैं, उधर में चार्जिंग का है, इधर में चार्जिंग का है, जहाँ होता है वहीं करते हैं। और खिड़की से देख भाई, ये है सामने ले पैलेस, भाई क्या मज़ा। देखो ये ले पैलेस है, और वहाँ पे है ऊपर है क्या नीचे पता नहीं, खारदुंगला का रास्ता, मज़ा आता भाई इधर से देखने में पहाड़ एकदम। तो इधर में अपना सोने का, कल भी इधर ही सोए थे, आज भी इधर ही सोएंगे।